हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज जो हम आपके लिए लाए हैं वो है सैमसंग माइक्रोवेव अवन 23 लीटर में। तो ये मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। ये देखिए, ये माइक्रोवेव अवन लिखा है, 23 लीटर है, ये इसका कोड है प्रोडक्ट का। एक ही पीस है इसके अंदर और जो MRP है वो ये है, लेकिन इससे बहुत कम मिल जाता है। डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पर, अमेज़न पर इसका डायमेंशन ये है। ये देखिए, इसमें लिखा है हेल्दी स्टीम ऑप्शनल क्विक डिफ्रॉस्ट, यानी इसमें जो आपका फ्रीज़र में सामान रखा है वो भी आप डिफ्रॉस्ट कर सकते हैं। और सेरेमिक इनसाइड, जो इनसाइड बॉडी है इसकी वो सेरेमिक है। और ये देखिए, ये इसका OCDL, यानी ये वाला मॉडल है OCDL। तो वेट इसका 13.50 kg है, ब्लैक कलर है, 800 वाट है इसका जो ये है, ये देखिए 800 वाट है यहाँ पे लिखा है। तो आइए इसको जल्दी से खोलते हैं। अरे, ये जो प्लेट है इसके ऊपर इन्होंने कुछ भी नहीं रखा है, ये थर्माकोल में पैकिंग है। बट मेरा मानना है कि एकदम बस ये इस गत्ते के अंदर है, तो ज़रा भी अगर इस पे कुछ हैवी आता तो ये टूट सकती थी। इसके ऊपर इनको कोई फॉर्म वगैरह लगानी चाहिए। तो जल्दी से ओपन करते हैं। ये देखिए, जो अवन के अंदर प्लेट होती है ना, जो रोटेट होती है, वो कुछ इस तरह की है। और ये इस तरह से पैक है। तो हम इसको निकालते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। हमने अवन को बाहर निकाल लिया है, ब्लैक कलर है, ये देखिए ट्रांसपेरेंट है ग्लास, और ये बटन सिस्टम है, और ये टच बटन है। तो आइए ओपन करते हैं इसको। और इसके अंदर ये कुछ पेपर्स हैं, खोल के देखते हैं। ये देखिए, इसके अंदर ये जो स्टैंड है, ये इस टाइप का एक स्टैंड है, बहुत ही हल्की प्लास्टिक है इसकी, तो यूज़ करके देखेंगे कैसा रहेगा। ये देखिए, जैसा लिखा हुआ था ना कि इसमें सिरेमिक बॉडी है, तो वो दिख रहा है। अब ये जो तीन ये है ना इसके बटन, इसमें जो पीछे होल है इसको हमें ऐसे सेट करना है। इसमें ये देखिए, ये इस टाइप से ना ये फिट हो गई है, यानी ये ऐसे रोटेट होगी। तो ये तीनों नॉब्स इसके अंदर ऐसे फिट हो जानी चाहिए। तो ये रेडी है। और ये देखिए टाइमिंग्स लिखा है, ऑटो कुक। तो ये यूज़ करेंगे तब हम बताएंगे कि कैसा है ये। यहाँ से इसकी ये टेप उतार देंगे हम। ये वारंटी कार्ड है, इस पे सब इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं। ये माइक्रोवेव ओवन का मैनुअल है, इसमें सारी डिटेल्स लिखी हैं, हाउ टू यूज इट, है ना, सेफ्टी मेजर्स। तो वो जब आपके पास आए तो आप पढ़ सकते हैं। पीछे से कुछ इस तरह से इसकी वायर पैक है। ये देखिए, और ये पावर प्लग है एक्चुअली, तो ये आपका सिंपल उसमें नहीं लगेगा, पावर प्लग है। तो देखना पड़ेगा आपको आपके रसोई में कहाँ पर है। वायर 1 मीटर से थोड़ी ज़्यादा ही है, ठीक है। बट बस ये थोड़ा सा है कि अवन नहीं है तो इसमें ये पावर प्लग की ज़रूरत नहीं थी, बट बाकी सब बढ़िया है। ये ऐसे टच वाला नहीं है, ये देखिए ऐसे ये बटन है,
थोड़ा सा प्रेस करना पड़ता है, एक बटन टाइप्स बने हुए हैं, मेल्ट करने के लिए है, ऑटो कुक है, डिफ्रॉस्ट के लिए है, ऑन ऑफ सिलेक्ट क्लॉक है, चाइल्ड लॉक है, स्टॉप कहाँ से करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है। स्टार्ट होते ही ये पहले 30 सेकेंड्स चलेगा और ऊपर यहाँ डिस्प्ले में ना टाइम आ जाएगा आपका। तो ये जब मैं यूज़ करूँगी तब आपको बताऊँगी, फिलहाल तो मुझे ये अच्छा लग रहा है, वेट बहुत कम है और ये हैंडल जो है इसका मुझे अच्छा लगा। बस मुझे ये लग रहा है कि एक ब्लैक कांच होने के कारण ना, देखिए आपको ये आपके ही रिफ्लेक्शन दिख रहा है, अंदर की चीज़ दिखेगी या लाइट कितनी है वो जब मैं यूज़ करूँगी इसका मैं आपको जल्दी से रिव्यू दूंगी।